हे दोस्तों, मैं मुकम अंसारी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंटर के बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। अगर आप इस बार इंटर का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को सामाजिक विज्ञान में राजनीतिक शास्त्र से ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाने वाले हैं जो कि पिछले इंटर एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आपके भी इंटर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाएं पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। हे दोस्तों, पहला क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन पे दिया गया है कि विश्व बैंक के कार्यों को लिखे। आखिर विश्व बैंक के क्या कार्य होते हैं, आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर में लिखना होगा। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि विश्व बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है, यानी नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर एक में लिखेंगे कि विश्व बैंक विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर दो में लिखेंगे कि विश्व बैंक रचनात्मक आर्थिक विकास के लिए तकनीकी सहायता देता है। उसके बाद में आपसे बता दें, रोमन नंबर तीन में लिखना होगा कि विश्व बैंक राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए सहायता प्राप्त कर देश अपना विकास कार्यक्रम अबाध गति से चला सके, इसके लिए विश्व बैंक सहायता प्रदान करता है और व्यापार के क्षेत्र में संतुलन बनाए भी रखता है। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर चार में लिखेंगे कि पर्यावरण सुरक्षा, जिसमें प्रदूषण से संबंधित सभी नियमों का निर्माण और उसे लागू करने में भी इसे अधिकार क्षेत्र में आती है। किसके अधिकार क्षेत्र में, तो विश्व बैंक के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कुछ नंबर दो की। कुछ नंबर दो में दिया गया है कि विश्व व्यापार संगठन क्या है। आप सभी को मैट्रिक एग्जाम में भी हम पढ़ा चुके थे कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन क्या है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक व्यापार के लिए नियम निर्धारित करता है। वैश्विक व्यापार का मतलब होता है कि विश्व के जितना भी व्यापार क्षेत्र होता है ना, उसके बारे में ये नियम निर्धारित करता है। कौन संगठन, तो विश्व व्यापार संगठन। इस संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। ऑब्जेक्टिव ही पूछा जा सकता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1995 ईस्वी में हुई थी। इसके सदस्यता देशों की संख्या जो है वो 150 है। इसमें कुल 150 देश शामिल हैं। इसका हर दो वर्ष के बाद में एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है जिसमें व्यापार संबंधी चर्चाएँ की जाती है। प्रत्येक दो वर्ष के बाद में क्या होता है कि एक सम्मेलन स्थापित किया जाता है जो प्रत्येक दो वर्ष के बाद में आता है और उसमें व्यापार संबंधी चर्चाएँ की जाती है। निर्णय तो बहुमत के आधार पर ही होते हैं जो सभी सदस्यता देशों को मानना पड़ता है। आपसे बता दें कि इसका अपना न्यायाधिकरण है जिससे देश के बीच व्यापार संबंधी विवादों का निपटारा होता है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कुछ नंबर तीन की। कुछ नंबर तीन में दिया गया है शिमला समझौता क्या है। उम्मीद है कि समझौता तो बहुत सारे हुए हैं, शिमला समझौता है, पूना समझौता है, ऐसे ऐसे बहुत समझौता है हमारे भारत देश के साथ हुई है। तो यहाँ पे सवाल में है कि आखिर शिमला समझौता क्या है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि जब 1971 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की समाप्ति हुई थी ना, तो उसी के बाद दोनों देशों ने 1972 ईस्वी में एक समझौता किया था जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपसे बता दें, ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, तो ये देश कौन थे, तो भारत और पाकिस्तान थे। कब हुआ था, तो 1972 ईस्वी में हुआ था। युद्ध कब हुआ था भारत पाकिस्तान का, तो 1971 ईस्वी में हुआ था। तो इन्हीं दोनों के युद्ध के बाद में 1972 ईस्वी में एक समझौता हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जिसे हम लोग शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। यह समझौता 3 जुलाई 1972 ईस्वी को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी के राष्ट्रपति भुट्टो के बीच में हुआ था। उस समय की बात है कि 1972 ईस्वी में अपना भारत के जो प्रधानमंत्री बने थे वो थे इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे ना वो थे मोहम्मद अली भुट्टो थे, जिसके बीच में संपन्न हुआ था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि दोनों देश आपसी विवादों और समस्याओं को आपसी समझौता से सुलझाएंगे, एक दूसरे पर बल का प्रयोग नहीं करेंगे, दोनों देश प्रांतीय अखंडता को नहीं तोड़ेंगे और ना ही राजनीतिक स्वतंत्रता में दखल अंदाजी करेंगे।
आपसे बता दें कि दोनों देश आपसी संबंधों का बढ़ावा देंगे, साथ ही साथ यातायात, संचार इत्यादि दोनों देश एक दूसरे की सहायता करेंगे। कहने का मतलब कि दोनों देश मिलजुल कर रहेंगे, एक देश दूसरे देश को हेल्प करेंगे, कुछ वस्तु आदान करेंगे, कुछ प्रदान करेंगे, ठीक है, और आपसी संबंधों को बढ़ावा देंगे यानी संबंध बढ़ाएंगे, साथ ही यातायात संचार इत्यादि यानी आने जाने की जो वाहन है उसमें संचार में दोनों देश एक दूसरे की सहायता करेंगे। दोनों देश नियंत्रण की रेखा को मान्यता देंगे और पंचशील के सभी नियमों का सम्मान करेंगे। ये कौन से समझौता में हुआ था? तो ये शिमला समझौता में हुआ था। दोस्तों आपसे बता दें, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप सभी को बता रहा हूँ, इसका अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में लिख सकते हैं मैथ इन मैजिक टिप्स, या आप सभी को वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल ऐप का लिंक दिया गया है, तो उस मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं तो इंटर के सभी सब्जेक्ट का उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के साथ साथ उसमें PDF भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप जाके आप सभी इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम की तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। तो हे दोस्तों, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन चार की। क्वेश्चन चार में दिया गया है कि मंडल आयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ये आपके मैट्रिक एग्जाम में भी शायद पूछा गया था और इंटर एग्जाम में तो पूछा ही गया है कि आखिर मंडल आयोग क्या होता है, इसके बारे में आप सभी को संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, यानी इसके बारे में आप सभी को थोड़ा सा विस्तार से बताना होगा। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि 1978 ईस्वी में जनता दल की सरकार ने BP मंडल की अध्यक्षता में एक आयोजन गठित किया था जो मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि 1978 ईस्वी की बात है कि जनता दल की सरकार थी, ठीक है, JDU की यानी जनता दल की सरकार थी, तो उसने क्या किया था कि बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग संगठन का स्थापना किया था, एक संगठन गठित किया था जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग का कार्य था पिछड़े वर्गों की पहचान करना, इन वर्गों की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का पता लगाना तथा इन वर्गों की स्थिति में सुधार करने का उपाय बताना, ठीक है, ये किसका उद्देश्य था? तो मंडल आयोग का उद्देश्य था। 31 दिसंबर 1980 ईस्वी की बात है कि यह आयोग ने अपनी सिफारिश पेश की जिसके अंतर्गत मुख्य सिफारिशों में पिछड़ी जातियाँ को सरकारी नौकरी एवं शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण और भूमि सुधार था। अगस्त 1990 ईस्वी की बात है कि राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था। तो इस प्रकार से मंडल आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी आप सभी समझ में गए होंगे। तो चलिए हम आपसे बता देते हैं अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ताशकंद समझौता क्या है। तो दोस्तों आपसे बता दें, बात है 10 जनवरी 1986 को जो ताशकंद समझौता हुआ था, ये क्या है? तो यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। मैं आप सभी के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछा जा सकता है कि ताशकंद समझौता किसके किसके बीच में हुआ था। तो ताशकंद जो समझौता है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ये समझौता भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में हुआ था, जिसके अंतर्गत यह घोषणा किया गया था, ये ऐलान किया गया था कि भारत और पाकिस्तान आपस में सद्भाव एवं शांतिपूर्ण संबंध बहाल करेंगे और अपने लोगों के बीच दोस्ताना संबंध बढ़ाने का भी संकल्प लिया गया था, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि बात है 10 जनवरी 1986 को, तो ताशकंद समझौता हुआ था। ये समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ये समझौता भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में हुआ था। इसके अंतर्गत ये घोषणा, ये ऐलान किया गया था, ये नियम बनाया गया था कि भारत और पाकिस्तान आपस में सद्भाव एवं शांतिपूर्ण संबंध बहाल करेंगे यानी मेल मोहब्बत बढ़ाएंगे और अपने लोगों के बीच दोस्ताना संबंध बढ़ाने का भी संकल्प लिया गया था। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 6 की। क्वेश्चन 6 में दिया गया है कि सुरक्षा परिषद के गठन की विवेचना करें। आखिर सुरक्षा परिषद का जो गठन होता है उसके बारे में आप सभी क्या जानते हैं? इसके बारे में आप सभी को इस क्वेश्चन में आंसर लिखना होगा। ऐसे सवाल को आप सभी के एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका के सम्मान है, ठीक है। संयुक्त परिषद, यहाँ पे एक बार फिर समझ लीजिए, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका के समान है। इसमें 15 सदस्य होते हैं जिसमें 5 अस्थायी सदस्य है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस है। इसके अलावा अन्य 10 सदस्य है जो महासभा के द्वारा 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अस्थायी सदस्यों को भी
किसी भी प्रस्ताव पर वीटो का अधिकार प्राप्त है, लेकिन अस्थायी सदस्यों को वीटो की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो आप सभी को ऐसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कितने देशों को यहाँ पे देखिए 15 जो सदस्य यहाँ पे दिए गए थे ना, तो आपसे इंटर एग्जाम में ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि कितने देशों को अस्थायी सदस्य माना गया है या अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, अस्थायी सदस्य में देशों की संख्या कितनी है। तो कितना है, तो 5 है। कौन कौन? अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है और रूस है। बहुत अफसोस की बात है कि इसमें भारत नहीं है। तो अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कितना होगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन हम आपसे बता रहे हैं काफ़ी इंपोर्टेंट है कि आखिर सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था या क्यों हुआ था। यहाँ पे पूछा गया कि क्यों हुआ था। आज से ये तो मालूम होगा कि 1891 ईस्वी की बात है, 1891 की बात है कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो आखिर ये क्या हुआ था, इसका क्या कारण हुआ था। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि सोवियत संघ के विघटन के निम्नलिखित कारण थे, क्या क्या कारण थे। तो स्टालिनवादी संगठन की विफलता, स्टालिनवादी संगठन की विफलता हो गई थी जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया था। उसके बाद में है सेवक तंत्रीय भ्रष्टाचार, सेवक तंत्र भ्रष्टाचार के कारण भी सोवियत संघ का विघटन हो गया। नस्लीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ था जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया था। पश्चाताप उदारवाद का प्रभाव था, मानव पूंजी में हानि हो गई थी जिसके कारण सोवियत संघ यानी सोवियत राष्ट्र का विघटन हो गया था। है दोस्तों अगला सवाल है वैश्वीकरण क्या है। मेट्रिक एग्जाम में ये सवाल तो बहुत बार पूछा गया, सभी पढ़ ही लेंगे कक्षा 10वीं में कि वैश्वीकरण क्या है। आपके इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आपकी वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जो दुनिया के दूरदस्त भागों को जोड़ती है, एक का दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, राज के बीच बढ़ती हुई अंतःक्रिया अंतर्निर्भरता इससे बढ़ती है, कई देशों को समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा रहा है। आपसे बता दें यह विकासशील देशों के प्रतियोगी क्षमता को बढ़ा रहा है। वैश्वीकरण उपभोक्ता को विभिन्न प्रकार के वस्तुएं और सेवाएं कम कीमत पर भी उपलब्ध कराती है। तो इस प्रकार से समझ में गए होंगे कि आखिर वैश्वीकरण क्या होता है। तो हे दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सक्सेस जोन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हे दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।